महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने और उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया है। महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व अधिकार के लिए सरकार ने महिला दिवस पर मुख्यमंत्री ने दो घोषणाएं की थी, उसका राजपत्र जारी कर दिया गया है। अब महिलाओं को संपत्ति में 2% की छूट देने के साथ ही रजिस्ट्री की जाएगी। वहीं 30 साल से अधिक की लीज प्राप्त करने पर भी 75% की जगह अब केवल 35% स्टाम्प ड्यूटी शुल्क देना होगा। दरअसल सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक लाभ पहुँचाने के साथ साथ संपत्ति में उनके स्वामित्व को बढ़ाने का है, जिससे महिला और भी सशक्त हो सके। इसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी होते ही अब रजिस्ट्री कार्यालय में महिलाओं को छूट मिलना शुरू हो गई है। अब इसका लाभ शहर की हर महिलाओं को मिलेगा। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री ने महिला दिवस पे जो छूट की घोषणा की थी वो उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो ये जो छूट है, महिला यदि एब्सोल्यूट ओनर है किसी रजिस्ट्री में तो उसको रजिस्ट्रेशन फीस में, अभी तक रजिस्ट्रेशन फीस जो गाइडलाइन वैल्यू का 3% है, तो महिला यदि कोई खरीदती है तो उसमें 2% की छूट उनको दी गई है महिलाओं को। इसी प्रकार से 30 वर्ष से अधिक के जो पट्टे हैं उसमें यदि महिलाओं को कोई 30 वर्ष से अधिक के पट्टे यदि प्राप्त होते हैं तो उसमें पहले 75% जो छूट मिलती थी स्टैम्प ड्यूटी का, 75% जो फीस लगती थी उसको घटा के अब 75% की बजाय 35% छूट दी गई है महिलाओं को। जी सर, इससे आम लोगों को कितना लाभ पहुंच पाएगा, कितना कितने परसेंट तक लाभ होगा? हाँ, इससे लाभ आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार के लाभ हैं। एक तो महिलाओं को जो उनको संपत्ति में जो अधिकार या हक हैं वो इस छूट के माध्यम से मिलेंगे। दूसरा, उनको जो फीस का और जो आर्थिक रूप से है जो 2% की छूट है तो उसमें उनको लाभ मिलेगा।